Hi friends, I'm Stuti from eVidyarthi. In this session, we are learning Class 11 Chapter Financial Statements with Adjustments ka ek aur naya adjustment. This is a very important aur naya adjustment. The rest of the items that we have learned in previous sessions, you have heard their name or read them about it. But Manager's Commission is a very new topic. Let's see what happens. Actually, what happens in Manager's Commission? हमें मैनेजर्स जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ कमीशन देना होता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर यानी पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस प्रॉफिट के बेसिस पे हमें उन्हें कमीशन देना होता है मैनेजर्स को कमीशन देना होता है सो ये हम पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते मतलब इसे हम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कैलकुलेट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद होता है तो इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे अभी हम इसकी एंट्रीज की बात करते हैं पहली एंट्री होगी मैनेजर अच्छा क्योंकि मैनेजर को कमीशन मिला नहीं है अभी उसको मिलना बाकी है इसलिए पहली एंट्री होगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट यानी आउटस्टैंडिंग ये कमीशन मैनेजर्स को अभी पे नहीं हुआ है इसको पे करना भी बाकी है तो ये एक लायबिलिटी है हमारे लिए इसलिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन को हमने क्रेडिट कर लिया ये होती है पहली एंट्री जो हम पास करेंगे नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट हम इस मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कैलकुलेट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद होता है तो इसे ट्रांसफर कैसे करेंगे बट आप अभी बस इतना याद रखो कि मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ये कैसे होता है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट जैसे हम बाकी सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं वैसे ही मैनेजर्स कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे तो अब इसकी प्लेसिंग कैसे होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट आने चाहिए और दो इफेक्ट आए भी हैं देखते हैं कैसे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए एक लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटीज अकाउंट में शो हो जाएगा पहला इफेक्ट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट लाइबिलिटी है तो हम लाइबिलिटीज अकाउंट में शो कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर्स कमीशन को ट्रांसफर करा तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी करेंगे एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड में शो होगा टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट तो ये तो हो गया इसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है तो ये हो गया इसका क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड तो ये एक एडजस्टमेंट था जिसका हमने दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करे मैनेजर्स कमीशन मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट हमेशा ही आपको एक एडजस्टमेंट की तरह मिलेगा क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद कैलकुलेट होता है इसलिए मैनेजर्स कमीशन हमेशा एक एडजस्टमेंट होता है और ये एक नया टॉपिक था जिसके बारे में हमने आज से पहले या किसी भी और चैप्टर में बात अभी तक नहीं करी थी तो आई होप आपको ये नया टॉपिक थोड़ा नया तो लगा ही होगा बट इंटरेस्टिंग भी लगा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको अगर अभी भी कोई डाउट है कि इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू